नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा, चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी की और बताएंगे क्या यहां से निफ्टी 18,600 तक जा सकता है या नहीं। दोस्तों, ये डाउट आपके मन में भी आ रहा होगा कि निफ्टी जो है इस लेवल पे खड़ा है, क्या यहां से हमें सेल करना चाहिए या फिर हमें यहां से अपनी पोजीशन बाय में बनानी चाहिए। मैं मानता हूं मेजोरिटी ऑफ द पीपल अभी यही सोच रहे हैं कि हमें कोई ऐसा लेवल मिल जाए जहां से हम पुटे खरीदे या फिर निफ्टी को शॉर्ट करके चले, क्योंकि निफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बट दोस्तों, फिर से कहना चाहूंगा आपको एक बात कि अभी फिलहाल जो मार्केट है, या अभी की बात नहीं करूंगा, पहले से मार्केट जो चल रहा है वो डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है। डिमांड और सप्लाई को अगर आप ठीक से समझेंगे तो ही आप मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहां से 19,000 है, 20,000 है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कभी ना कभी तो मार्केट नीचे जा सकता है, स्टॉक ओवरबॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर लोग बेचेंगे तो कोई ना कोई तो खरीदेगा, वो होगा वो स्मार्ट आदमी। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा अगर आप कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट करते हैं तो। वैसे ही मैंने कल की वीडियो में बोला था कि निफ्टी को बाय करके चले क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, और कल मैंने डिटेल में आपको बताया था, वही मैं दोस्तों आज रिपीट करूंगा। वो बताऊंगा किस तरीके से आप निफ्टी में अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, क्या यहां से 18,600 जा सकता है, किस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहां पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का ये जो चार्ट मैंने आपके लिए लगाया है ये 4 आवर्ली का चार्ट है। 4 आवर्ली यानी कि 4 घंटे की एक जो कैंडल बनती है। हालांकि चाहूं तो इसको मैं डेली में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, और यहां पे मैं इसको डेली में कन्वर्ट कर देता हूं और इस चार्ट को करते दो थोड़ा सा मिनिमाइज। और अगर आप यहां पे देखते हैं तो निफ्टी जो है, अगर अभी की बात करेंगे तो निफ्टी बेसिकली क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, जो कि ट्रेंड लाइन आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन है, मैं क्या करता हूं इसका जो कलर है, इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देता हूं, और यहां पे दोस्तों मैं इसको कर देता हूं व्हाइट कर देता हूं, जैसे आपको क्लैरिटी मिले। अब यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि निफ्टी जो है यहां से इसमें एक तेजी आई थी जो कि एक पैटर्न बना था, इसको बोलते हैं हैमर। इसलिए मैं कहता हूं कैंडलस्टिक को अच्छी तरीके से समझिए, सीखिए, क्योंकि कैंडलस्टिक को अगर आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो ही मार्केट में काम कर पाएंगे। लोग बात करते हैं ना प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन क्या है, वो कैंडलस्टिक में ही है। जब तक आपको कैंडलस्टिक के लॉजिक नहीं पता चलेंगे तब तक आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इस चीज को आप समझिए। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उससे सीखना जरूरी है जो कैंडलस्टिक आपको सिखाता है, पढ़ाता है, यानी कि इंडिकेटर बेस पे आप सीखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों बात करेंगे तो यहां से मार्केट में तेजी आई थी और दूसरा सपोर्ट इसने लिया था यहां पे। अब ये जो सपोर्ट वाली कैंडल है जो देख रहे हैं, ये डोजी कैंडल है, यहां पे भी हमने पोजीशन बाय में बनवाई थी। क्यों बनवाई थी, आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पे बेसिकली क्या कर रहा था, ये भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, और इसको बोलते हैं ब्लॉफ पैटर्न। बट ये बात हो गई है पुरानी, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों कि यहां पे फिर से ये क्या कर रहा है, इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, और कल की वीडियो में मैं बोल रहा था चिल्ला के मत बेचना अभी, क्योंकि मुझे पता है काफी लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट में मंदी आने वाली है, मार्केट में सुनामी आने वाली है, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इकोनॉमिकली अगर आप बात करेंगे फंडामेंटली भी लोग कह रहे हैं वीक है, बट मैं कह रहा हूं किसी की मत सुनो, अपने दिमाग की सुनो, और आप ये देखो कि एक्चुअल में मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है। चलो मैं कल की बात बताता हूं। कल मेरे पास एक बड़े ब्रोकर का फोन आया, और मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, और वो ये कह रहा था कि आपको मार्केट में क्या लग रहा है। मैंने कहा मेरे को मार्केट में थोड़ी तेजी लग रही है। वो एकदम से उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला अच्छा आपको तेजी लग रही है। मैंने कहा क्यों, आपकी पोजीशन क्या है। वो कह रहे हैं हमारी पोजीशन सेल में है, यानी कि अभी लोगों ने क्या कर रखी है, पुटे ज्यादा खरीद रखी है, उनके क्लाइंट्स ने पुटे ज्यादा खरीद रखी है, और कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन भी थी मार्केट में, वो भी पुट्स बाय कर रखी थी, या फिर उन्होंने क्या कर रखा था, कॉल राइटिंग कर रखी थी। अब उन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी, वो बड़े ब्रोकर है, उनके पास फंड होता है, तो वो कॉल राइटिंग जब उन्होंने करी थी, बेसिकली क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जब कॉल राइटिंग करते हैं तो कई बार नेकेड पोजीशन बना देते हैं, या फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं, उसको हैज करते हैं। बट अगर आप नेकेड पोजीशन भी बनाते हैं कॉल राइटिंग की, अगर आप पुट बाय नहीं करते आप कॉल राइटिंग भी करते हैं, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे, तो वहां पे आपका जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी पोजीशन सेल में थी, तो वहां से मेरे को एक हिंट मिल गया था कि भैया अब तो मार्केट को बाय करके चलना है। और जब मार्केट में एक डिप देखने को मिला तो वहां पे भी हमने पोजीशन ऐड करी, बाय करी, और इसका मैसेज हमने आज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी कर दिया था। फिलहाल इसको अच्छी तरीके से समझते हैं और यहां पे जाएंगे और हम देखेंगे कि बेसिकली क्या था कि अब लोगों की पोजीशन ज्यादा शॉर्ट में है, तो बाइंग कौन करेगा, वहां पे करेगा स्मार्ट आदमी, और कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन जो है
जो वो दिखा रही है एक्चुअल में दर्शा रही है कि भैया मार्केट तेज है, क्यों? क्योंकि बाजार वापस से क्या कर रहा है ट्रेंड लाइन को। एक एक चीज और समझिएगा, मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूं, थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन सकती है बट आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आप उससे सीख रहे हैं जो खुद एक ट्रेडर है। और ट्रेडर के साथ साथ दोस्तों मैं अगर बोलना चाहूं तो मैं 12 साल से टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा भी रहा हूं, तो यहां पे देखिएगा दोस्तों इस एरिया को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। अब ये देखिए मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अगर आप देखेंगे मार्केट इस तरीके से चल रहा है और ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार फिलहाल ये कर रहा है कि एक बीरिश कैंडल यहां पर बनाता है, आपको लगता है कि भैया यहां पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है और यहां पे पोजीशन शॉर्ट बनानी चाहिए, बट वहां पे दूसरे ही पल यहां पे बुलिश कैंडल बनाता है। अब बुलिश कैंडल जो बनती है तो मैं वापस कह रहा हूं भैया बुलिश कैंडल के ऊपर बाय करो और ये एसएल रख के चलो, यहां से मार्केट फिर से एक नया हाई दिखाएगा जो काफी टाइम से चलता हुआ जा रहा है। अब वापस से जाएंगे दोस्तों यहां पे चार्ट पे और इसको समझेंगे कि वही चीज हमें देखने को मिली है कि यहां पे फिर से एक बेरिश कैंडल दिखाई और इसके साथ एक बुलिश कैंडल दिखा दिया और हम कह रहे हैं कि बाय करके चलो। कल भी मैंने बोला था कि भैया 18,150 के ऊपर बाय करके चलना, मार्केट तेज है और आज मार्केट ने हाई लगाया है स्पॉट मार्केट में 18,310 के आसपास का। अब यहां से क्या होगा, बात यह है ना कि आप पुरानी बातें कर रहे हो, नई बात बताओ यहां से क्या होगा। मैं कह रहा हूं यहां से भी मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, क्यों? पोजीशन मार्केट में लोगों की ज्यादा सेल में है और जो थोड़ी बहुत गिरावट मार्केट में देखने को मिली थी स्टार्टिंग बाद में, जब मार्केट एकदम से तेजी से नीचे गिरा था, बढ़त के बाद नीचे तेजी से गिरा था, तो लोगों की पुटे ऐड हुई है, लोगों ने वहां पे माइनस करी है पोजीशन, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनाई है, जिससे अभी फिलहाल वापिस से मार्केट में बुलिश कैंडल बनी, जिससे ये कंफर्मेशन आ गई फिर से क्या करा ऑपरेटर ने या स्मार्ट आदमी ने ट्रैप किया है। तो आपको ट्रैप में फंसना है या फिर दोस्तों अपना दिमाग यूज करके मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी पोजीशन मार्केट में बाय की बनाऊं, फिर भी कहता हूं अगर मार्केट में अगर मंदी आती है तो एसएल क्या होना चाहिए, बात यह है तो एसएल होना चाहिए जो बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं इसके लो का आप एसएल रख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि 18,000 के आसपास का एसएल बना के चलिएगा, बट फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो बुलिश कैंडल का जो लो है वो है 18,099 के आसपास का, तो एक छोटा सा एसएल आपको मिलता है यहां पर 18,100 के आसपास का एसएल रख के चलिए। और मेरे को लग रहा है कि मार्केट जो है बहुत जल्दी 18,600 टच करेगी जिस हिसाब से मार्केट में पोजीशन है, तो बाय करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा छोटे से एसएल के साथ। और कहना चाहूंगा कि अगर आप इस एसएल के साथ बाय करके चलते हैं तो आप अच्छा पैसा मार्केट से कमा पाएंगे, जिद्दी बनकर बैठेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में थोड़ा सा दिमाग यूज करिए, दिमाग यूज करेंगे थोड़ा सा आपकी जो पोजीशन है ना लोगों से विपरीत होनी चाहिए। आपको पता है हर कोई सेल कर रहा है तो आप बाय करो ना, क्योंकि आपकी पोजीशन ऑपरेटर के साथ होगी। अगर आप बोलेंगे तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए मैं जरूर बनाऊंगा, कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लग रहा है 18,600 जा सकता है और ये जो हाई है वो बहुत जल्दी टच हो सकता है। एक तीसरा कारण भी और है उसका, ऐसे दूसरा कारण तीसरा कारण आप कह सकते हैं, बेसिकली क्या है कि काफी ऐसे लोग हैं जो मार्केट में डेली वीडियोस बना रहे हैं कि मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, वो बहुत पहले से बिकवाते हुए जा रहे हैं। 10,000 जब मार्केट था, 11,000 था, 12,000 था, अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा अब तो गिरेगा, ये चल रहा है, कंडीशन चल रही है, वो कंडीशन चल रही है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है 20-22,000 उन वीडियोस को देखते हैं तो वो उनकी पोजीशन भी शॉर्ट में बनती है। अब मैं आपको बोलूं मार्केट यहाँ गिरेगा तो बहुत अच्छे व्यूज आएंगे मेरे पास, क्यों आएंगे, क्या रीजन है, क्योंकि आप भी चाहते हैं मार्केट गिरे। अब मैं कहूंगा मार्केट तेज है तो कोई नहीं देखेगा ऐसे, क्योंकि बोलेंगे यार ये बंदा ना मेरे हिसाब से बात नहीं कर रहा, मेरी पोजीशन शॉर्ट में है तो मैं समझदार हूं ना, मेरी पोजीशन शॉर्ट में है तो मैं उसी को सुनूंगा जो शॉर्ट बोलेगा। बट कहना चाहूंगा उससे कुछ नहीं होता, आप मार्केट में हैं किस लिए हैं, मार्केट में पैसा कमाने के लिए हैं, जिद्दी बने के रहेंगे मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अब यहां पे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 18,600 मुझे निफ्टी लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या कर रहा था मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि निफ्टी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, काफी दिन से ले रहा है। अब बात करेंगे कल के दिन के कुछ ऐसे स्टॉक जिनमें आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं, तो पहले ही मेरा चार्ट एनालिसिस चैनल है, इसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस लिखिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप फ्री ज्वाइन हो सकते हैं इसमें, हम इसमें टिप्स तो नहीं देते बट जिस भी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके जरूर यहां पे भेज देते हैं। तो कुछ स्टॉक हैं अच्छे, जैसे कि अंबुजा सीमेंट है, कल के दिन रडार में रख सकते हैं, अंबुजा सीमेंट का चार्ट मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ स्टॉक मैं दोस्तों आपको जल्दी जल्दी कल के दिन रिकमेंड कर देता हूं जिसमें पोजीशन आप अपनी शॉर्ट में बना सकते हैं, तो ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है आप देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट हमने जो रिकमेंड करा था 377.10 रुपए पे किया था, भैया खरीद लो, पैटर्न बन चुका है बुलिश हैरामी, बुलिश हैरामी पैटर्न का मतलब होता है कि यहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर हम वापस इसके चार्ट पे जाएंगे अंबुजा सीमेंट के चार्ट पे तो हाई बना दिया है इसने आज का 381.30 का, यहां पे देखिएगा दोस्तों बुलिश हैरामी पैटर्न इसमें बन चुका था, मैं लिख देता हूं बुलिश हैरामी पैटर्न। अभी क्या होता है ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, बट आपसे पूछेंगे बुलिश हैरामी पैटर्न क्या होता है तो आपको बोलेंगे मुझे नहीं पता,
बुलिश एनएमी बुक में अलग तरीके से बताया गया है, बट एक्चुअल में इसका काम करने का तरीका अलग है। ये सब हमारा ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है जो हमने इसको डिटेल में बताया है, इसके लॉजिक्स होते हैं, कब बाय करना है, कैसे सेल करना है, इसके साथ साथ क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सब हमने अपने ऑनलाइन कोर्स में बताई हुई है। तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा हमारा मुझे सीमेंट में बना है, बट दूसरा स्टॉक मैं आपको बताना चाहूंगा वो है वेदांता। वेदांता मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्या रीजन है उसका, हालांकि यार थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी बट वापस से मार्केट में एक पुलबैक देखने को मिला। अगर आप देखेंगे वेदांता को तो वेदांता हमने आज 323 रुपए पे भी पकड़ा था, बाय करा था, क्यों, क्योंकि इसमें हैमर बन चुका है। और कहना चाहूंगा कल के दिन मुझे मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि स्टॉक ऐसा कह रहे हैं, वेदांता 337 रुपए तक जरूर जाएगा। कहना चाहूंगा हमारा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है, अगर आप हमारे बताए कि किसी स्टॉक में कोई भी ट्रेड बनाते हो तो रिस्क आपका अपना है, तो ट्रेड लेने से पहले हमने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी सलाह जरूर ले लीजिएगा। और आज हमने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था जब निफ्टी कुछ 18,180 के आसपास था, खरीद लेना इसे, और वहां से दोस्तों कुछ अगर बात करूंगा तो 100 पॉइंट से ऊपर की तेजी देखने को मिली है। इसके बाद स्टॉक है IGL, अच्छा स्टॉक है, इसको बाय क्यों कर सकते हैं, क्या रीजन है उसका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे IGL मुझे क्यों तेज लग रहा है, पहले तो हमने 469 पे आपको बोला था कि ऐड कर सकते हैं अपनी, अब आप बाय कर सकते हैं इसे, और अगर आप देखेंगे तो हाई बना चुका है ये 474.35 का, और मुझे लग रहा है कि एक बार ये 479 का हाई जरूर टच करेगा। तो आशा करूंगा IGL में ट्रेड करके पैसा बनाया होगा। साथ साथ दोस्तों कैडिला हेल्थ केयर में भी पैटर्न बना था, अगर बात करेंगे तो ये सारे स्टॉक दोस्तों हमने आज के दिन आपको क्या करे थे, रिकमेंड करे थे। कैडिला हेल्थ केयर बोला था कि 500 रुपए पे आप पोजीशन बाय कर सकते हैं, क्यों, ये देखेंगे ना, कैडिला हेल्थ केयर में हैमर बना हुआ था, पिक्चर परफेक्ट हैमर, 500 रुपए 55 पैसे में बोल दिया था खरीद लो, और उसके बाद हाई क्या बना है इसका, अगर आप देखेंगे तो कैडिला का हाई बन चुका है 510 रुपए के आसपास का। तो यार इतनी अच्छी अच्छी न्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, आपको चाहिए टिप्स, टिप्स मत लो ना, आप खुद सीख लो, जो चीजें मैं भेज रहा हूं ना टेलीग्राम चैनल में, तो फ्री चैनल है इसको, इसमें भी अगर आप ऐड होंगे तो बहुत सारा बेनिफिट आप कमा सकते हैं, बना सकते हैं। बट इससे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि इससे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कई लोगों के कमेंट आता है डायरेक्ट टिप्स क्यों नहीं देते, भाई मेरा टिप्स देने का काम नहीं है, मैं नहीं चाहता आप हैंडीकैप बनो, आप खुद से सीखो, 1 से 1.5 महीने की स्टडी नहीं कर सकते, अगर मार्केट में पैसा बना रहे हैं आप तो 1 से 1.5 महीने की स्टडी नहीं कर सकते, अगर 1 से 1.5 महीने की स्टडी करके अगर आप इन मैसेजेस को समझ के अगर पैसा बना पाए तो बेटर है ना वो। तो अगर आप मार्केट में चाहते हैं 30 से 40-50 हज़ार रुपये मेरी रेगुलर इनकम जनरेट हो पाए कुछ पैसा लगा के, तो आप टेक्निकल एनालिसिस जरूर सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों ये तो अभी हमारा पब्लिक चैनल है, अगर आप प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आ गए तो फिर तो देखिए दोस्तों कितने सारे मैसेजेस कर रहे हैं, हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे सबसे ज्यादा मैसेजेस होते हैं, पर्सनल रिकमेंडेशन भी मैं यहाँ पे देता हूँ, बट ये जो ग्रुप है ये स्पेशल ग्रुप है दोस्तों, ये मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को देता हूँ, तो आप भी इसका बन सकते हैं। बट कहना चाहूंगा आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.chartanalysis.co.in, वहां पे जाके यूजर आईडी क्रिएट करिए, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स तो एटलीस्ट परचेस कर ही लीजिए। अगर आप मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, 70 से 80% की एक्यूरेसी पाना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, अगर पैसे से प्यार है तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स जरूर खरीदेगा। 8,000 का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिड वीव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी सिखाई जाती है। दूसरा कोर्स है हमारा ऑप्शन का, 11,000 का कोर्स है, इसमें भी काफी चीजें हैं जैसे ग्रीक्स, ऑप्शन चेन, स्ट्रेटजीज, पे ऑफ्स, ऑप्शन चेन को कैसे कैलकुलेट करके आप ट्रेड बना सकते हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। साथ साथ हमारा कॉम्बो है, कॉम्बो ले सकते हैं दोस्तों जिसमें टेक्निकल और ऑप्शन आ जाता है, ये कंप्लीट पैकेज है, 17,000 का है, जिसमें आपको वीडियोस मिलेगी, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल मिलेगी, साथ साथ कहना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, संडे का वेबिनार मिलेगा, और अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो कॉम्बो पैकेज लेना भी आप ना भूलिए अगर आप मार्केट में फ्रेशर है, बिल्कुल अगर आप स्टार्टिंग ही करना है तो आप टेक्निकल से भी शुरुआत कर सकते हैं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो ब्रोकर की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर उसमें भी डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो संडे का वेबिनार भी मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर करिएगा, साथ साथ लिंक्डइन और साथ साथ दोस्तों फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।